विगत का वर्षहरू में बकर ईद धूमधाम का साथ मनाउने गरेका मुस्लिम समुदायले यस वर्ष कोरोना संक्रमण को जोखिमलाई ध्यान दिदै आफ्नै घरमा नमाज पढेर मनाएका छन्। शनिबार देखि तीन दिनसम्म मनाइने ईद उल फित्र बकर ईद को अवसर में राङ्गा र बोका काटेर आफन्तलाई घरमै बोलाएर मासु पुलाव सबै खुवाउने चलन रहेको छ। तर कोरोना कहर का कारण जमघट गर्ने कार्यक्रम भएन। यसपटक को बकर ईद में नेपाल राष्ट्र र विश्वबाटै कोरोना भाइरस चाँडै निर्मूल होस् भन्ने कामना गर्दै अल्लाहसँग प्रार्थना गरेको मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले बताए। ईदगाहमा यो पाली हामीहरूले बकरीद मनाएको होइन, मात्रै आफ्नो आफ्नो तरिकाले सबैले आफ्नो आफ्नो घरमा मनाएको छ र घरमा पनि सोशल डिस्टेन्सिङको पालना गर्दै पनि मनाएको छ र राष्ट्रको लागि र पुरै विश्वव्यापी यो महामारी कोरोना समाप्त होस् र सबै बचोस् त्यसको लागि हामीले प्रार्थना गर्छौं। हर साल तो हमारे यहाँ बहुत धूमधाम से होता था। यहाँ पे भी बड़े जानवरों का कुर्बानी का इंतज़ाम किया जाता था। भैंसे में जैसे भैंसी है, भैंसा हुआ, नेपाल में जो अपनी जलता है उसमें एक जानवर में हम लोग सात हिस्सा लेते थे, मतलब सात लोग के नाम से कुर्बानी दी जाती थी। लेकिन इस साल हमारे मस्जिद और मदरसा में उसका इंतजाम नहीं किया गया। इस पटक कोरोना वायरस के कारण मस्जिद में गए नमाज पढ़िएन भने मस्जिद में बुरकानी समेत नगरेको धर्मावलम्बी को भनाई। अब आज बोलिए कोरोना को बेला चाहे आन दु चारजना मात्र आन अरु नमाज पनि हामी सोशल डिस्टेंस गरेर नै पढ्यौं। मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले यस पटकको बकर ईद धूमधामका साथ मनाउन नपाइए पनि विश्वबाटै चाँडै कोरोना भाइरस समाप्त भएर आगामी वर्ष धूमधामले मनाउन पाइयोस् भनेर कामना गरे।